ये हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस आज से ईद तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे रोशनी बढ़ रहा है, बट गाइस अभी हम लोग ऐसे मतलब ऐसे ही हम लोग घूम रहे हैं, तो ईद है, हम लोग तैयारी व्यारी करते हैं। तो मैं आप लोग को आगे का सीन दिखा दूँ कि नाश्ते में क्या बनाया, क्या क्या आगे होता है। ओके एंड चलो मैं आप लोग को आगे का सीन भी दिखाता हूँ। ओके सो गाइस ये रहे हमारे कपड़े, जिसको मैं इन लोगों से थोड़ा दूर करता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गम हैं, पता नहीं क्या क्या यहाँ पे पड़ा हुआ। बट ये है हमारे ईद के कपड़े पहले दिन के, तो दूसरे दिन के हमारे जो है पैंट शर्ट हैं थोड़े, तो तीसरे दिन के भी तो चलो मिलते हैं डायरेक्ट तैयार। ओके तो मैंने पहले भी बोला तो सॉरी। ओके सो गाइस यहाँ पे हम लोग तैयार हो चुके हैं एंड गाइस बाहर बहुत 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 ज़्यादा आवाज़ है, तो सीधा हम लोग चलते हैं नमाज़ पढ़ने। भी मैं हेड यहाँ पे उतार देता हूँ, तो सीधा हम लोग चलते हैं ईद की नमाज पढ़ने। ओके तो मिलते हैं ईद की नमाज पढ़ने के बाद। तो गाइस हम लोगों ने पक्का ईद का नमाज भी पढ़ लिया है, तो हम लोग गए थे थोड़ा घूमने, तो हमने कब का ईद का नमाज मतलब पढ़ लिया है नमाज। सो गाइस हम लोग घूम रहे, तो मैं आज आप लोग को ज़रूर एक सबक देना चाहूँगा, तो गौर से सुनना, इस बात को इग्नोर कभी मत करना गाइस। तो मैंने सोचा कि मैं गन ले लूँ, तो मम्मी ने कहा तुम्हें लोग चिढ़ाएंगे नहीं लेना, मैंने तो नहीं समझा, मैंने ले लिया। मैंने सोचा वो लोग खेल रहे हैं, मैं क्यों नहीं खेलूँ, तो इसलिए मैंने एक गन ले लिया। ठीक है सुनो गौर से, मैंने गन ले लिया, तो दो तीन चलने के बाद अचानक उसके अंदर एक चर्रा फंस गया। तो मैंने जैसे ही देखा, मैंने देखा उसके अंदर चर्रा फंस गया। ओके एक गोली उसके अंदर फंस गया, तो मैंने निकालने का कोशिश किया बट निकला ही नहीं। अभी बच्चे घूम रहे हैं मैन के अंदर, अभी टाइम 10:30 हो रहे हैं, बट टाइम का तो ईद में पता ही नहीं चलता है। तो मैं कल से गाइस नहीं सोया हूँ, ईद आप लोगों को पता है मतलब ईद के कितने एक्साइटमेंट हम लोगों को होती है, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं। ओके एंड गाइस अगर आपको ये वाली व्लॉग पसंद है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। सही है एंड बाय।